नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में बिजली के बिलों को लेकर चारों तरफ हाहाकार जैसा मचा हुआ है। आम आदमी ये सोचकर परेशान है कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी थी कि बिजली के बिल कोरोना काल के पीरियड में आधे लिए जाएंगे, तो वो उनकी घोषणा पूरी क्यों नहीं हुई। पूरे प्रदेश में ये स्थिति है कि बिजली विभाग का जो अमला है वो ये कहकर उपभोक्ताओं की बिजली कनेक्शन काट रहा है कि उनके पास मुख्यमंत्री के कोई निर्देश नहीं है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में स्थिति और बदतर है। जो किसान बिजली के बिल नहीं चुका पा रहे हैं, उनके ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल बिजली विभाग वाले उठा ले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में निस्संदेह जनता में भी आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। वहीं दूसरी ओर सबसे ज़्यादा चिंतित वे विधायक और मंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी को ज्वाइन किया है। ऐसे लोगों की दिक्कत यह है कि इनमें से अधिकांश को उपचुनाव के लिए अक्टूबर में जाना है, और अगर लोगों का गुस्सा, किसानों का गुस्सा इसी तरह से बढ़ता रहा तो उनके लिए परिणाम मुफीद नहीं होंगे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो घोषणाएं कर रहे हैं उनका परिपालन क्यों नहीं हो रहा है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात सपाक्स की करें तो सपाक्स से हरिओम गुप्ता जी हैं, वो यहाँ अपना पक्ष रखेंगे और हमें बताएंगे कि ये जो दिक्कतें हैं वो क्यों पेश आ रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सतीश सक्सेना जी रहेंगे, वो यहाँ विवेचन करेंगे कि ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई और क्या मुख्यमंत्री के आदेश वाकई क्षेत्र तक नहीं पहुंचे। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे बनता है हरिओम जी, क्योंकि आपकी पार्टी आज कांग्रेस और बीजेपी से थोड़ा सा अलग कलेवर में नज़र आती है। जनता के मुद्दों को भी आप उठा रहे हैं जी। ये जो एक प्रमुख मुद्दा है कि कोरोना काल में वैसे ही लगभग लगभग 4 महीने 3 महीने लोगों के व्यापार व्यवसाय बंद रहे, परंतु बिल जो है बिजली के वो पुराने साल के हिसाब से, जो कहते हैं ना कि जी उन्होंने पुराने साल का देखा एवरेज बिल और उसी आधार पर अभी दे दिया। अब उसमें दिक्कत ये हो रही है कि जो छोटे उद्यमी हैं, छोटे दुकानदार हैं या घरों में रहने वाले लोग हैं, सभी परेशान हैं। क्या कहेंगे आप? कि तिवारी जी, 24 मार्च से जब से कोरोना में लॉकडाउन की स्थिति बनी, उस समय तत्काल आनंद फानंद में राज्य सरकार ने ये कहा था कि भाई जब तक ये स्थिति रहेगी, लॉकडाउन की स्थिति रहेगी, तो गत वर्ष के जो इन महीनों के एवरेज बिल हैं उसको हम ऑनलाइन आपको संप्रेषित करेंगे और उसका भुगतान जो उपभोक्ता कर देंगे उन्हें हम आगे समायोजित कर देंगे। तो मार्च और अप्रैल के महीने में इन्होंने पुराने गत वर्ष के मार्च अप्रैल के बिल लोगों को दिए, लेकिन गत वर्ष की स्थिति और इस बार की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन था, और इसके बावजूद भी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उन ऑनलाइन बिलों को जमा किया। लेकिन सबसे बड़ी विसंगति ये रही जो मेरे, हमारी पार्टी के नोटिस में आया और हमने ग्रामीण क्षेत्र में देखा कि कई लोगों ने ऑनलाइन बिल जमा करने के बावजूद भी उनके एमपीवी के जो रिकॉर्ड है उसमें वो कहीं उनका कन्फर्मेशन नहीं हुआ। और इसके बाद इन्होंने जून मई एंड में हमारे मुख्यमंत्री जी जो हमेशा अपना आगे बढ़ के कुछ ना कुछ ऐसी घोषणाएँ लोक लुभावन नारों के साथ घोषणाएँ करते हैं, उन्होंने एक तरफा ये घोषणा कर दी कि भाई किसी भी लॉकडाउन के पीरियड में रह रहे प्रदेश के किसी भी नागरिक को बिजली के कारण परेशानी नहीं होगी और जितना बिल आएगा उसका आधा बिल हम माफ़ करेंगे। उसमें ना तो उन्होंने कोई क्राइटेरिया खोला था कि हम नीचे वालों को, गरीब लोगों को देंगे या जिनको 100 रुपये या 200 रुपये वाले बिल हैं उन्हीं का माफ़ करेंगे या बड़े यूनिट का करेंगे, कहीं कोई क्लेरिफिकेशन नहीं था। और बड़ा जनता में उस समय मीडिया ने भी उनको बहुत हाथों हाथ लिया और पब्लिक के लिए लोगों को लगा कि चलिए कुछ इस सरकार ने जो कांग्रेस से हटके और सरकार बनी है तो ये मदद करेगी। लेकिन जून के महीने में जब इन्होंने नया अपना सॉफ्टवेयर लगाया और घर घर जाकर फिर इन्होंने जो रीडिंग ली, उस रीडिंग के बाद जून और जुलाई के जो बिल आए हैं वो लोगों को दहशत पैदा करने वाले बिल हैं।
चाहे वो ये जो किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े कर लिए गए, ये तो अमानवीयता है, ये बिल्कुल पूरी तरह अमानवीयता है। और मैं नहीं समझता कि क्या मुख्यमंत्री जी को ये समझ में नहीं आता कि भाई उन्होंने लोक लुभावन घोषणा कर दी और आम जनता के लिए ये बता दिया कि साहब हम ये कर रहे हैं, और अमला कहता है कि हमारे पास कोई निर्देश नहीं है। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ, मैंने 2 महीने ऑनलाइन बिल जमा किए लगभग 8,000 रुपये, और इसके बाद मुझे जुलाई के महीने में बिल मिला 27,000 रुपये। हम जब कार्यालय गए तो कार्यालय ने कहा साहब आपका 1 महीने का जमा है, दूसरे का पता नहीं आपने किस अकाउंट में जमा किया, अभी तो आपको पूरे जमा करने पड़ेंगे। जब मेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति का आर्गुमेंट भी वो मानने को तैयार नहीं थे, और चूंकि बिजली एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक दिन में उपयोगी है, तो यही स्थिति चाहे वो इंडस्ट्री वाला हो, इंडस्ट्री 2-3 महीने पूरी तरह बंद रही, और उस दौरान भी उनका जो मिनिमम चार्जेज आना था लेकिन उन्होंने पूरा पैसा, और बहुत इंडस्ट्री वालों ने हल्ला मचाया तो उन्होंने कहा आप 12 किस्तों में जमा कर दिए, पैसे तो आपको जमा करने पड़ेंगे। जैसा आप परिवहन में देख रहे हैं पिछले 6 महीने से प्रदेश में कोई बस नहीं चल रही है, भाई खड़े हुए बस का मालिक कहाँ से पैसा जमा करे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो जिस घोषणाएं कर देते हैं, और क्या उनकी ब्यूरोक्रेसी जो पदाधिकारी हैं उस घोषणा को क्या कभी मॉनिटर नहीं करते? और ये एक बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है कि किसान किन किन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहा है। हमारे देश का कुल कृषि उत्पादन जो 20% रह गया है, और हमारी कृषि उत्पादन दर 2 है जिसको हम बढ़ाने में 4 रुपये लगे हुए हैं, और उसमें आप इस तरह की स्थिति कर रहे हैं, ना आपका अधिकारी कहीं संवेदनशील है, ना कोई वस्तु स्थिति समझने को तैयार है, और आप हिटलर शाही बना रखी। तो मैं नहीं समझता कि आपने कहा कि जो अभी उपचुनाव होंगे निश्चित रूप से उपचुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर जो सरकार अपनी की हुई घोषणा का अगर अमल नहीं करवा सकती है तो उसे नैतिक रूप से सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है, और जनता इसका जवाब देगी। यदि बिजली की व्यवस्था को, बिलों की व्यवस्था को उन्होंने नहीं सुधारा तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़े जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित होगा, और जिस तरीके से किसानों गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को सरकार को रोकना चाहिए। या मैं सतीश जी आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप प्रदेश भर की खबरें भी देख रहे होंगे, ये जो समस्या है ये खाली भोपाल या आसपास की है या पूरे प्रदेश की है, और अगर है तो क्या वाकई मुख्यमंत्री ने संजीदगी के साथ ये घोषणा की थी या ऐसे ही मन बहलाने के लिए कर दी थी? नहीं, ये भोपाल नहीं, अकेले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में है सारी समस्या, और समस्या ये ग्रामीण क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा है। ये अब क्या हुआ है कि ये पहले ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल था, अब वो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से उन्होंने उसको कंपनी बना दिया, अब वो विद्युत वितरण कंपनी हो गई। तो अब जितनी भी भर्ती की गई थी, एम्प्लॉयमेंट जिनको दिया गया था, वो सब आउटसोर्सेज कर्मचारी हैं, तो वो कोई नियम कानून मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो जो जो आपका बिल, जैसे मान लो मेरा बिल आया 13,000 का, तो मैं उनके पास गया, भाई ये 13,000 रुपये का बिल आया है, इसको आप देख लीजिए, करा लीजिए। बोले नहीं साहब, पहले आप 13,000 जमा कर दीजिए, इसके बाद आप एप्लीकेशन दीजिए, और फिर हम उसमें जो है देखेंगे क्या आपका कितना जमा है कितना नहीं है, फिर हम अगले उसमें आपका एकोमोडेशन कर लेंगे कि साहब ये एड कर लिया। पर क्या कई लोग ऐसे जमा नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मान लीजिए पत्रकार ही हैं, छोटे व्यवसायी हैं, जिनको 3-4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, या मान लीजिए और आर्थिक संकट हैं उनके, व्यापारियों के हैं या मध्यम वर्गीय जो नौकरी करते हैं लोग, तो अब उनका उनका कहना ये है अधिकारियों का साहब कि देखिए लॉकडाउन रहा, अब लॉकडाउन में उनका कहना ये है कि भाई लॉकडाउन रहा तो लॉकडाउन में बिजली तो आपने जलाई होगी ना, तो हम आपको एवरेज बिल दे रहे हैं ना भाई, पिछले 3 महीने में आपने जितनी जलाई थी उस 3 महीने का एवरेज बिल बना के हम आपको दे रहे हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना भाई हम लॉकडाउन पीरियड में हम थे ही नहीं, तो उन्होंने कहा भाई नहीं किया तो भी हम आपको एवरेज बिल तो देंगे ही देंगे। सवाल ये है ना कि हमारा जो अमला है वो तो लगा रहा, काम तो हमारा चलता रहा, अब आपने बिजली नहीं जलाई तो उसके लिए हम जिम्मेदार थोड़ी हैं। अब वो ग्रामीण क्षेत्र में क्या करा उन्होंने कि वो ग्रामीण क्षेत्र में अब वो उनकी ट्रैक्टर टाली है, उनका मोटरसाइकिल है, तो उनका जो सामान है उसकी जब्ती बना रहे हैं, वो बिल नहीं भरा है। तो अब ये बेचारे किसान पे डबल मार पड़ रही है, एक तो वो कमलनाथ जी की कृपा रही उन पे, तो वो किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, और अब बचे खुशी कसर जो थी वो शिवराज जी पूरी कराए दे रहे हैं ये बिजली के बिलों के चक्कर में, उनका मतलब ये हुआ जा रहा है। तो सिस्टम जो है एक्चुअल में क्या है, सिस्टम में एक जो एक कसावट आना चाहिए वो अभी नहीं आ पाई है। ये ऊर्जा मंत्री का दायित्व बनता है उस चीज को वो देखें समझें,
और वो कॉन्टेक्ट करें और मालूम करें कि भाई ये क्यों हो रहा है और किस लिए कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर हैं क्या, वो ग्वालियर में उनको पता नहीं है या फिर वो अपने क्षेत्र का देख रहे हैं बाकी पूरे प्रदेश वो उनके क्षेत्र का भी नहीं देख पा रहे हैं ना, सवाल ये है ना साहब। उनके क्षेत्र से भी शिकायतें हैं ना, ग्वालियर संभाग से भी शिकायतें हैं, कोई अकेले ये थोड़ी है कि भोपाल से संभाग में, होशंगाबाद संभाग में या उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग में, ग्वालियर संभाग में भी यही शिकायतें, यही हालत वहाँ भी हो रखी है। और उसके पीछे लाजिक मैंने आपको बताया, उसके कारण यही है कि जो जिन लोग जिस संस्थाओं में आपने जो अधिकारियों की नियुक्ति की है कॉन्ट्रैक्ट अधिकारियों की, तो वो अधिकारी मानने सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम तो भाई उसके लायल हैं जो हमारा बॉस है इमीडिएट। अब इमीडिएट तो क्या मुख्यमंत्री के आदेश उन तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि घोषणा तो बहुत अच्छी नहीं पहुंचे हैं। आदेश तो पहुंचे हैं, एक बात समझ लीजिए आप, ऐसा नहीं है आदेश तो पहुंचे हैं, लेकिन अब आप एक बात समझिए कि चूंकि अब ये विद्युत, अब एक जमाने में आपको पंडित जी आप तो चूंकि रिपोर्टिंग में रहे हैं नई दुनिया जैसे संस्थान, आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ऐसा मंडल था कि जो राज्य सरकार को कर्ज देता था, आपको अगर जानकारी में हो। तो आज स्थिति इसकी ये हो गई है कि इनकी सैलरी बांटने के पैसे इनके पास नहीं है, तो इसकी जिम्मेदार भी ये अधिकारी है ना साहब, कोई और तो है नहीं, आम पब्लिक तो है नहीं। अच्छा अभी एक नई चीज और उन्होंने शुरू कर दी, मीटर बदले जाएंगे, अब नए मीटर आ रहा है, यानी दिग्विजय सिंह जब थे तब एक बार नए मीटर लगाए उन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक मीटर आए और जीते वाजपेयी थी उस जमाने में। अब एक नया एक सिलसिला, वो एक अधिकारी बता रहे थे कि अब ये नए मीटर और लगने वाले हैं, अब तो ये हटेंगे अब नए मीटर भी और लगेंगे। तो यानी बोझ जो है जनता पे वो एन के एन प्रकरण आप डालना चाहते हो, सोर्सेज आपने सारे बंद कर रखे हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, समझे कि लेबर तबका जो है भूखों मरने को तैयार है, उसकी स्थिति जो है वो बन रही है। वो एक पटानी में हमारा वो एक आदमी काम करता था, उसकी बाई परसों आई थी कि साहब हमारा त्यौहार है, कम से कम 200 रुपये दे रहे हो ताकि हड़ताल तीज मना लें, ये हालत आज हो गई है। उसका आदमी पेंटर है, उसको कोई काम ही नहीं मिल रहा, वो कह रहे हैं हमारे पास आदमी घर में बैठे हुए काम ही नहीं मिल रहा। तो ये गुप्ता जी चूंकि सपाक्स इन चीजों को देख रही है क्या फील्ड में जाके और देख रही है, तो क्या मुख्यमंत्री जी को या राज्यपाल जी को आपने शिकायत? हमने कई जिलों में इसके लिए ज्ञापन भी जिला अधिकारियों को दिए हैं। मुख्य बात ये है जैसा हमारे सहयोगी वरिष्ठ साथी ने बताया, पहले यही एमपी भी सारा काम खुद करती थी, निर्माण डिवीजन उनका अलग था, एडमिनिस्ट्रेशन वाला डिवीजन अलग था, अब सारा काम ये ठेके पर कराते हैं, सब में कमीशन फिक्स है। सबसे पहले सामान कैसे खरीदें, सामान खरीदने की प्रोसेस में लग जाएगा, मीटर अब आप मीटर खरीदने की एक नई, अब और सारा पैसा उपभोक्ता से वसूला जाता है। एक इतना बड़ा हाथी विद्युत नियामक आयोग बना दिया है, जब बड़े बड़े अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद चार चार साल रहते हैं, हर साल वो भी रेट बढ़ा देते हैं, ना वो कभी मॉनिटर करते कि वास्तव में उन्होंने जो दरें दी हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे कैसे हो रहा है। आपका अमला, आपने अमला वही है, धीरे धीरे रिटायर होते जा रहे हैं लोग, जो पहले विद्युत बोर्ड में जो अमला था वो सारों चारों कंपनियों में विभाजित कर रही है। नहीं, पर चूंकि आपने अभी ताजा तरीन हम बात करें कि ठीक है कंपनियां तो बन गई, सभी जगह बनी है, कोई बात नहीं। आपने चूंकि एक राजनीतिक दल होने के नाते दिल्ली को भी स्टडी किया होगा, वहाँ बिजली इतनी सस्ती क्यों है जबकि ना उनके पास कोई विद्युत ग्रह है जिनसे वो खुद उत्पादन करते हों, ना उनके पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जिससे सस्ती हो जाती हो। एक नियति अगर हो और हमारे को वास्तव में जनता के हित में कुछ करने का निर्णय हो तो दिल्ली जैसा काम किया जा सकता है, पर हम यहाँ क्या है, सिर्फ ढोल बजाती है ये सरकारें, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, लोग लुभावन बातें कर देंगे। वो 200 रुपए में मिल देते थे, कमलनाथ जी ने 100 रुपए कर दिया, 100 रुपए कितनों को मिला, 100 रुपए वाले पर बाद में जब दोबारा शिवराज सिंह जी आ गए तो वो आधे खड़े। तो ये सिर्फ ढोल बजाने का काम दोनों दल कर रहे हैं, वास्तव में यदि काम करना है, आपने दिल्ली की नजीर दी, वो दूसरों से बिजली लेके सिर्फ सिस्टम को उन्होंने मजबूत किया, आप भी सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन क्या जिस इलाके में जो नहीं भर रहा, जो शेर है, आप हजारों ऐसे लोग हैं शहरों में भी जो पैसे नहीं भरते, उनकी कोई बिजली नहीं कटती। कई जिले, कई मध्य प्रदेश के ऐसे जिले हैं जहाँ बिल्कुल अभी भी चोरी होती है, उन सबका लाइन लॉस के नाम पर जो बेचारा सामान्य उपभोक्ता है, इंडस्ट्री वाला है, छोटा दुकानदार है, भाई उससे तो बिजनेस करना है, दुकान चलानी है, जो सामान्य उपभोक्ता है उससे सबकी वसूली होती है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक फेल्यूअर है, और इसमें जब तक ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह सक्रिय नहीं होगी, और मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, आप किसी भी चीज को, आप घोषणाएं कुछ भी कर दें, अमल क्रियान्वयन करने के लिए आपको खुद मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, और तभी हम इसको लाभ पहुंचा सकते हैं। चूंकि सपाक्स पार्टी का मामला है, सपाक्स पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है,
जोर शोर से उठा रही है। और हमारे अभी तक क्या आपने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की? नहीं, मुख्यमंत्री जी से संबंध में मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हमने जिला स्तर पर ज्ञापन दिए हैं। अब हम एक राज्य लेवल पर भी एक ज्ञापन देके और मुख्यमंत्री से बात करेंगे, ऊर्जा मंत्री से भी बात करेंगे कि भाई ये विसंगति क्यों। कुछ जिलों में इन्होंने प्राइवेट एजेंसियों को वसूली के लिए रख दिया, प्राइवेट एजेंसी वो टोल की तरह काम कर रही, ना उन्हें कोई नियम से मतलब ना कानून से मतलब, वो अपने हिसाब से वसूल कर रही। तो कुछ ना कुछ आपको जनता के हित में कुछ ऐसे जो आप नीति बनाते हैं, जो आप घोषणाएं करते हैं, उसका क्रियान्वयन कैसे। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि बिजली के बिल तो टाइम से वसूले जा रहे हैं, नहीं दे रहे तो उनकी बिजली भी काट दी जा रही है। जी जी, क्या आपूर्ति पूरी तरह से हो रही है या वो भी बाधित हो रही है? मेरे ख्याल से भोपाल में ही मैं लगभग प्रतिदिन देखता हूँ, मेरे घर में भी 3 या 4 बार बिजली ट्रिप होती है। कम से कम 2 से 5 मिनट के लिए बिजली जाती है, अब वो किस हिसाब से जाती है। और ग्रामीण क्षेत्र में तो अघोषित कटौती चल रही है। आप कह रहे हैं कि हमारा 22,000 से ज़्यादा हम इतनी बिजली पैदा कर रहे हैं, और लेकिन आपकी जो पूर्ति है वो 16,000 के लगभग है। तो मैं समझता हूँ कि जब सरप्लस बिजली है, आप नेशनल ग्रिड में भी दे रहे हो, तो राज्य में जब बिजली दे रहे हैं तो उस पर भी आपका नियंत्रण होना चाहिए, पर लाइन लॉसेज कैसे हो रहा है। और कई तो महानुभाव ऐसे हमारे जो मंत्री लोग हैं, पुराने मंत्री हैं, पुराने विधायक हैं, आप उनकी तस्वीर निकलवा लीजिए रिकॉर्ड कि कितने लोगों ने बिजली का बिल भरा है। पद पर रहते हुए तो सरकार भरती है, लेकिन एक सीमा से अधिक होता है तो उनको खुद को भरना पड़ता है। तो ये जो विसंगति है, इसको अगर हमारा तो आपने कोई डेट तय की है कि आप कब जाएंगे मुख्यमंत्री जी के पास? अगले सप्ताह में, अगले सप्ताह हम इसमें त्वरित अपनी कार्रवाई करेंगे और हम इसमें एक जन आंदोलन भी खड़ा करने का प्रयास करेंगे और अपनी बात को आप प्रचार माध्यमों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी रखेंगे और मुख्यमंत्री जी और विद्युत मंत्री जी को इस संबंध में तत्काल ज्ञापन देंगे। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ मैं सतीश जी आपसे जानना चाहूँगा कि बात बिजली की क्वालिटी को लेकर भी हो रही है कि आप सर्विस के नाम पर पैसा तो पूरा वसूल रहे हैं उपभोक्ता से, क्या उसको पूरे 24 घंटे बिजली मिलती है? नहीं, कहाँ मिल रही है बिजली जो है वो, जैसा भी कहा गुप्ता जी ने, ट्रिप मारती है। अब ट्रिप मारती है, उनका कहना ये साहब ये चाइना मेड का सामान लगा हुआ है। अब चाइना मेड का सामान लगा तो इसके लिए क्या उपभोक्ता जिम्मेदार होगा क्या? भाई तो जिनसे खरीदा है, जिनने मंगवाया, ये उसके रिस्पांसिबल होंगे। अब कल ही पानी गिरा है, कम से कम 6 बार बिजली गई है शहर राजधानी के अंदर, 2 घंटे गायब रही, 2 घंटे गायब। तो अब ये रिस्पांसिबिलिटी किसकी बनती है भाई? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है। अब यहाँ का जिला में जो इंचार्ज है उनसे अगर बात करो तो वो कहते हैं मैं दिखवाता हूँ कहाँ की चली गई, मेरी जानकारी में तो नहीं है। एक उन्होंने नंबर दे दिया, टोल नंबर पे आप रिंग कर दीजिए, बस वो बचता रहेगा, वो कंप्यूटर टाइप का क्या लगा दिया उन्होंने, बस वो अपने हो गया, कहानी खत्म हो गई आपकी। नहीं, पर क्या आपको ये नहीं लगता कि ये उपभोक्ता हितों के साथ भी अन्याय है कि आप वसूली के लिए तो खड़े हुए हैं उसके दरवाजे पे कि नहीं दी तो कनेक्शन काट देंगे? और ये जो है, देखिए क्या है एक्चुअल में, ये पार्टी जागरूक नहीं है या उपभोक्ता जागरूक नहीं है, ये तो कायदे से दिखाया तो ये आपराधिक प्रकरण बनता है इसके ऊपर। बहुत बढ़िया बात आपने कही। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा गुप्ता जी, चूंकि कांग्रेस बीजेपी से तो लोगों को अब उम्मीदें नहीं रही, तीसरा विकल्प तलाश भी रहे हैं लोग, पर अगर आप जैसी पार्टी अगर इतने धीमी गति से काम करेगी कि साहब अगले सप्ताह समस्या आज है, आप अगले सप्ताह जाके ज्ञापन देंगे, और ये इस तरीके की घटनाएँ हो रही हैं कि बिजली भी काट रहे हो, पैसे भी वसूल रहे हो, और उसके अलावा अघोषित कटौती भी हो रही है, ये क्या है? नहीं, ये स्वेच्छाचारिता है अधिकारियों के, अफसर मतलब जो निरंकुशता है। अभी मध्य प्रदेश के छतरपुर या किस जिले में बिजली का इंजीनियर किसान से रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। तो ये सब ऐसे हथकंडे हैं जहाँ किस तरह नैतिक अनैतिक रूप से अधिक वसूली की जाए, चूँकि जनता थोड़े से लाभ के चक्कर में कई बार ज़्यादा अपना नुकसान कर लेती है, और जो उसकी सतत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो एग्रीमेंट बिजली विभाग के साथ किया जाता है और उसके बाद पूरा पैसा लेने के बावजूद जब बिजली नहीं मिलती है तो एक तरीके से आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है, और ये उपभोक्ताओं को भी, जागरूक उपभोक्ताओं को नहीं। पर आपकी पार्टी है सपाक्स के बारे में लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़ के आम आदमी पार्टी ने अपनी जगह बनाई, वैसी जगह आप क्यों नहीं बना रहे? आपके नेता अध्यक्ष क्या सो गए क्या? नहीं नहीं, सो तो नहीं है, प्रयास अपना हमारी तरफ से भी हम कर रहे हैं। प्रत्येक जिला इकाई को हमने इस संबंध में सक्रिय कर रखा है, और जो जो मुद्दे आते हैं, जैसे फीस के मुद्दे पर हमने बहुत आंदोलन चलाया और फिर सरकार सहमत, मतलब
सरकार को उसमें स्पष्टीकरण देना पड़ा, नहीं पहले तो प्राइवेट स्कूल पूरी तरह फीस लेने पर ही तत्पर थे। तो जो संवेदनशील मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर हम जिला इकाइयों के माध्यम से अपनी जिला स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं और हम प्रदेश स्तर पर भी समय समय पर अभी जो दर्शक देख रहे हैं वो आपसे क्या उम्मीद करें बिजली के मुद्दे पे आप कब तक मिलेंगे? सपाक्स पार्टी हम जनता के साथ हैं और जो जिस तरीके से सरकार के नुमाइंदे बिजली विभाग के अधिकारी जो नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इस तरह की कुड़की वसूली करने का तो अधिकार मतलब रेवेन्यू उसमें नहीं है, लैंड रेवेन्यू कोर्ट में भी ऐसा नहीं करते हैं और आप इस तरह का अगर कृत्य कर रहे हैं तो ये बहुत ही घोर अन्याय है और जनता के साथ सरकार की एक तरीके से एक दंडात्मक कार्रवाई है। इसका सपाक्स पार्टी विरोध करती है और हम ऐसी जगह पर धरना आंदोलन करके कार्रवाई तत्काल कार्रवाई करेंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा सतीश जी कि चूँकि 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होना है और ये जो समस्या आ रही है इससे सबसे ज़्यादा हैरान तो वो पूर्व विधायक या जिसको कहेंगे मंत्री हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और उनको चुनाव लड़ना है अक्टूबर में, बिल की एक समस्या जो है वो तो इतनी खतरनाक हो रही है कि उनको तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। हाँ है, स्थिति है बिल्कुल आपका कहना सही है कि वो जो 27 उपचुनाव होना है वहाँ जो ये जो विश्वास पे ये लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ गए थे तो आ तो गए हैं वो, लेकिन अब वो जब ये हालात देख रहे हैं और वो जब जिस तरह का ये चल रहा है वो देख रहे हैं तो उससे वो बहुत भयभीत हैं। उनको ये लग रहा कि ऐसा नहीं कि बीजेपी वाले हमको ही हरवा दें और हमारा लाइफ भी खत्म हो जाए, ये वास्तव में गंभीरता से देख रहा हूँ। हो सकता है क्या? हाँ हाँ, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, जो बात समझ लीजिए आप, क्योंकि आप एक खबरनवीस भी हैं तो आपको और ज्यादा गहराई से पता होगा कि इनका जीतना बीजेपी के लिए ज्यादा मुफीद है या नहीं, कुछ नहीं, हार जाएं वही अच्छा है। देखिए बीजेपी की स्ट्रेटजी तो ये है कि ये इनमें से ज्यादा ना जीते तो अच्छा है, एक बार समझ लीजिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार तो ये जाने वाली नहीं है, उनको आईडिया है कि हमारी सरकार बची रहेगी, लेकिन ये लोग अगर हार जाते हैं तो उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं में संदेश चला जाएगा इनकी तरफ से कि देखो भाई अपन ने ऊपरी तौर पर तो ले लिया था लेकिन अपन ने उनको स्वीकार नहीं किया और अपन ने उनको हरवा दिया, ये इनकी अंदरूनी स्ट्रेटेजी। और दूसरी बात ये जो बीजेपी के नेता हैं वो अपने आप को हाईकमान के सामने साबित कर देंगे कि देखिए साहब अपन सरकार तो अपन चला रहे हैं और अपन ही बोलवाला है और यदि इनको ये आए थे इनको जनता ने स्वीकार नहीं किया इसलिए कोई सवाल नहीं होता और इससे महाराज की स्थिति जो है कमजोर होगी। ये जो स्ट्रेटेजी अंदर से बनी है ये बिल्कुल, ये बताइए आप गुप्ता जी, ये जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं समस्या को बढ़ाने में ज़्यादा कुछ लोगों का योगदान है या हल करने? बिल्कुल, कुछ जो सत्तारूढ़ दल है वो समस्या और ज़्यादा गंभीर ना हो, जिस व्यक्तित्व के साथ या जिन दावों के साथ जो जिन्होंने दल बदल किया है ऐसे व्यक्तियों को भाजपा बहुत भाजपा का आम कार्यकर्ता है या भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो आत्मसात नहीं करते हैं, जैसा पुराना इतिहास है। तो ये मान के चलें कि कुछ बिंदु ऐसे जरूर रहेंगे जहाँ कुछ दिग्गजों को जो आए हैं वो दिग्गज निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व इस उपचुनाव में समाप्त कर देंगे। पर क्या आपने उन पॉइंट्स को निकाला, एक जो कि सपाक्स के आप प्रमुख नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, तो आपने कुछ उन पॉइंट्स को निकाला कि ये तो एक बिजली का इशू हो गया जिसमें इनका विरोध हो सकता है, या वो अतिथि विद्वानों का हो गया जिनको चाहे पूर्व मुख्यमंत्री ने भले ही ना कुछ एंटरटेन किया हो पर बीजेपी के नेता तो निरंतर गए थे उनके खेमे में शिविर में। जब भी कोई इस तरह के मुद्दे उस 15 महीने के दौरान आए उस समय बीजेपी ने हर चीज में समर्थन किया और वहां वो सारी चीजें बीजेपी अभी उसको फॉलो नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई कमी इस तरीके से छोड़ रही है वर्तमान तो में। ये इसके पीछे मतलब कोई वही राजनीतिक समीकरण है सर, वो तो चूंकि 109 भी 107 उनके हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा 8-9 सीटें और चाहिए, जैसा हमारे वरिष्ठ साथी ने बताया कि सरकार बीजेपी का खतरा नहीं है तो वो उतनी सीटें जीतने में जरूर उनकी दिलचस्पी रहेगी जहाँ, और लेकिन कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी जरूर बनती जाएंगी और ये बहुत बड़ा गेम प्लान है। इस गेम प्लान को समझने में आम जनता भी इस चीज को समझ रही है और मैं समझता हूं कि सपाक्स पार्टी भी अपना इसमें परचम लहराने का प्रयास करेगी इन मुद्दों को लेकर, जिसमें चाहे किसान का मुद्दा हो चाहे हमारा बेरोजगार युवक का मुद्दा हो। अब आपने अभी जो लॉकडाउन के दौरान जितने लोग प्रदेश में आए मुख्यमंत्री जी ने कहा सबको हमने स्थापित कर दिया, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी स्थिति है। वो 35 लाख लोगों को खाद्यान्न का वितरण की बात हो रही है, उसकी भी अभी तक कोई ग्रास रूट लेवल पर कोई प्लानिंग कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनी है। और ये जो 10,000 रुपये जो देने का
स्ट्रीट वेंडर को देने के काम में, अभी तो मुख्यमंत्री जी क्या है जैसा प्रधानमंत्री जी जो बोल लेते हैं उसके दूसरे दिन उसका अमल मध्य प्रदेश में चालू कर देते। मैं इस स्ट्रीट वेंडर वाली योजना पर आपको बताना चाहूँगा, 1985 में पंचायतों को ऐसे काम के लिए पहले 1,000 फिर बाद में 5,000 रुपये दिए गए थे, पहले 200 रुपये बगैर ब्याज के लोगों को ऐसे गाँव के सब्जी वालों को इनको देने के लिए व्यवस्था थी। तो ये योजनाएँ तो बहुत पुरानी है, अब उसका नया रूप हो गया चूँकि अब इकोनॉमी का लॉस नुकसान हुआ है और उतना रुपए की वैल्यू कम होने के कारण अब वो 10,000 रुपये दे रहे हैं। तो घोषणाओं का अमल किया जाना और उन पर क्रियान्वित करना ये बहुत एक अधूरी बात है। और जैसा कल मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि साहब मध्य प्रदेश में आप सब भर्ती केंद्रीय संगठन से होगी, तो मतलब 8 महीने 10 महीने आप भर्ती ही नहीं होगी क्योंकि 8 से 10 महीने पहले वो संगठन बनेगा नहीं। तो आप अभी बेचारे जो शिक्षकों के इतने पद खाली हैं 35,000, सिपाहियों के 4,000 पद खाली, मतलब मध्य प्रदेश का बेरोजगार पिछले 3-4 साल से जो भुगतता चला आ रहा है वो आज भी वैसी स्थिति में रहेगा। 15 महीने कांग्रेस सरकार ने वो 27% ओबीसी का आरक्षण, इतने सारे मुद्दे जो हैं वो आप हम ला रहे हैं, इन सारे मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बात चूंकि बिजली की इसलिए प्रमुख हो जाती है कि हर व्यक्ति इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आम आदमी हो, सभी लोग उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या वाकई सरकार की मंशा नहीं है कि ये समस्या सुलझ जाए? क्योंकि सरकार ने वैसे तो संबल योजना भी ला दी है, पर वो संबल योजना में वो कुछ ही लोग कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं, बाकी का तो पता ही नहीं है कि जनता क्या करे। नहीं, वो सभी योजनाओं में है तिवारी जी, संबल योजना से मतलब नहीं है, इनकी जितनी घोषणा कर रहे हैं, जैसे अब ये इन्होंने अभी कहा कि साहब हम जो है मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी बच्चों को हम रोजगार देंगे, अरे भैया कोई आज की योजना है कि श्यामा रंजन जी के टाइम में घोषणा की गई थी और उसमें एक प्रावधान किया गया था और कलेक्ट्रेट से मूल निवासी प्रमाण पत्र बनता था और वो आवेदन के साथ लगाया जाता था, इसमें क्या नई चीज कर दी आपने? अच्छा, फिर आपने 15 साल से सरकार बीजेपी की है, भाई कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दे दिया? चलो मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देगा हमने इतने लाख लोगों को रोजगार दे दिया, सवाल ये है ना। हाई कोर्ट से बेचारे वो नगर निगम के दैनिक वेतन भोगी चतुर श्रेणी कर्मचारी हाई कोर्ट से केस जीत किया है, उनको नियमित करने के बजाय विनियमित कर दिया, अब ये एक नया मामला लेके आ गए, समझे कि नहीं? आपको आप तनख्वाह जो 6 मिलती थी 12,000 मिला करेगी, नियमित नहीं किया। ये जो समस्याएं अब जैसे निकल कर आ रही हैं, तो क्या इनका खामियाजा उपचुनाव में भुगतना पड़ सकता है सरकार को कि बिजली की वजह से लोग नाराज हो जाएं? नहीं 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 साहब, पंडित जी ये एक बहुत ऐसा इशू है, देखिए आपने क्या, ये मध्य प्रदेश जो है ये तो बड़े शांति प्रिय यहाँ की जनता है, मतदाता है। नहीं, पर अगर इन जैसी पार्टी सपाक्स जैसी या कांग्रेस, हाँ, ये अगर सपाक्स है या और दूसरी पार्टियां हैं, ये अगर खड़े होते हैं और आंदोलन करते हैं उन 27 जगह में और लोगों को जागरूक करते हैं तो उस पर फर्क तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगा गुप्ता जी की बात, वही आती है कि जनता के मुद्दे तो हैं पर पार्टियां उनके बीच जाती नहीं है जनता के बीच, या उसको बहुत गंभीरता से उठा नहीं पाती। तो क्या ऐसी कोई स्ट्रेटजी आपने अभी तैयार की है? हमारे ग्रास रूट लेवल तक, पंचायत लेवल तक हमने अपनी कमेटियां बनाई हैं और अलग अलग जगह हमारी मीटिंग भी हुई है, क्योंकि हमारा संघर्ष दोनों राष्ट्रीय स्तर के जो दल हैं उनसे है जो साधन संपन्न है, हमारे सीमित साधनों में हम अपनी बात को पहुंचाने में सफल रहे हैं और उस बात के आधार पर हम प्रयास करेंगे कि हमारी बात के आधार पर वोट में भी वो हमारी बात कन्वर्ट हो। तो उपचुनावों में नहीं, पर 2018 के विधानसभा चुनाव में आप क्लेम करते थे कि आपकी वजह से बीजेपी हारी जी, पर क्या अब ऐसी स्थिति दिखाई देगी? नहीं, अब देखिए ये तो जनता की मूड के ऊपर निर्भर करता है, हम अपनी बात को कहने में, चूंकि जो विसंगतियां हैं वो आज भी यथावत हैं, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो एट्रोसिटी एक्ट का मुद्दा हो, चाहे गरीब किसानों का मुद्दा हो, फसल का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारों का मुद्दा हो, जो आम बिजली का मुद्दा हो, जो आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको सही तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास हमारी पार्टी ग्रास रूट लेवल पर कर रही है। दिल्ली की स्थिति जैसी आपकी थी, हमारी भी स्थिति लगभग प्रदेश में हम प्रयास कर रहे हैं कि वो वैसी ही बने और लोग हम पर विश्वास करें और जन भावना के अनुरूप हमें जनता का समर्थन मिले, जिससे हम इन राष्ट्रीय दलों की जो खोखलेबाजी नारेबाजी वाला जो मामला है उसको हम जनता को गुमराह होने से बचा सकें। नहीं, पर जिस तरीके से मान लीजिए बिजली की समस्या आई, तो
अन्ना आंदोलन हुआ, लोगों ने देखा कि एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। अब चूंकि कोरोना काल है वैसा तो आप नहीं कर पाएंगे, पर क्या जन जागरण के लिए और कोई मीडिया? नहीं, नहीं, 10 से 15 लोग इकट्ठे होते हैं सर हमारे जिला लेवल, 15 तहसील लेवल पर, और वो निरंतर सक्रिय हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जिन जिलों में जहाँ जहाँ इन्होंने ट्रैक्टर और ये वसूली की है वहाँ निश्चित रूप से और हम संघर्षपूर्ण तरीके से कार्रवाई करेंगे और सत्तारूढ़ दल को ये एहसास कराएंगे कि आप जनता के हितों पर कुठाराघात नहीं कर सकते। अच्छा, चूंकि आप एक नौकरशाह भी रहे हैं, क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री निर्देश दें और उनका पालन नहीं हो, ये मुख्यमंत्री जी की इच्छा है या ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी हो गई है कि सीएम तो घोषणाएं करते ही रहते हैं? देखिए, चूंकि हम रोजाना अपना एजेंडा बदल देते हैं, पहले क्या होता था, पहले ऊपर से यदि कोई निर्देश जाते थे किसी स्कीम में तो उसका ओरिएंटेशन देखा जाता था, कार्रवाई होती थी। आज हमारा टारगेट कुछ रहता है, अगले 24 घंटे बाद टारगेट दूसरा हो जाता है तो वो पीछे चला जाता है। तो जिला प्रशासन क्या है, जो इमीडिएट टास्क होता है उस पर कार्रवाई करने लगता है और पुराना टास्क भूल जाता है। जब मुख्यमंत्री ने आज से 2 महीने पहले जब बिजली घोषणा की थी उस समय बड़ा त्वरित मुद्दा था, लेकिन उसको किसी ने फॉलो अप नहीं किया, ना मुख्यमंत्री जी ने किया। तो ये हमारे जो सिस्टम में जो सबसे बड़ी खराबी आई है कि आज आप बल्लभ बन जाए, कहीं मंत्री के यहाँ जाए, आज मुख्यमंत्री ने क्या कह दिया, चीफ सेक्रेटरी ने क्या कह दिया, जो पूरे दिन भर पूरा जिला प्रशासन राज्य का उसी में लगा रहेगा, पुराने मुद्दों को भूल जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है और मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं बात करूँ अगर बिजली की, तो न केवल बिजली बाकी कई अन्य घोषणाएं भी ऐसी हैं जिन्हें लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो संजीदा हैं, पर अफसरशाही अभी भी उनके साथ वही मजाक कर रही है जो 2018 में किया गया था। इससे उनकी इमेज भी खराब हो रही है, साथ में नीचे जनता में गुस्सा भी बढ़ रहा है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतने ही, लेकिन यहाँ विभाग खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर, न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।